हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे बर्थ चार्ट में जब वक्री ग्रहों की दशा चलती है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए और इसकी जो भी समझ है कि वक्री ग्रह कैसे काम करते हैं, अगर मंगल वक्री है, अगर शुक्र वक्री है, अगर गुरु वक्री है, अगर शनि वक्री है, अगर बुध वक्री हो गया है, तो अगर ये पांच प्लैनेट अगर वक्री हो जाते हैं तो उस टाइम हमें कैसे अपने काम को अंजाम देना चाहिए। पहले तो वक्री को समझते हैं कि वक्री क्या होता है। वक्री को इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोगेशन, यानी अगर कोई प्लैनेट सीधे चलते चलते जब वो उल्टा चलना शुरू कर देता है उसको वक्री ग्रह बोला जाता है, यानी जब कोई प्लैनेट उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है तो वो वक्री हो जाता है, यानी उससे संबंधित जो भी काम है वो अटक जाता है, यानी फंस जाता है। तो हमारे वर्ष आठ में अगर कोई ग्रह वक्री हो गया है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी ग्रह अगर वक्री है आपके बर्थ चार्ट में तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे संबंधित कोई ना कोई पेंडिंग काम जो है वो अटका हुआ है, यानी हमें उस ग्रह से संबंधित जो भी पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करना है और इसीलिए हमारा बर्थ हुआ है। अब आपके बर्थ चार्ट में किसी भी ग्रह की जब दशा चलती है, मान लेते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में मंगल की दशा चल रही है, क्योंकि मंगल की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं। चंद्रमा अस्त हो जाता है लेकिन वक्री नहीं होता है, चंद्रमा के बाद मंगल वक्री होता है, फिर मंगल के बाद बुध वक्री होता है, फिर बुध के बाद आपका गुरु वक्री होता है, फिर शनि वक्री होता है, शुक्र वक्री होता है, तमाम प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं, यानी पाँच जो प्लैनेट हैं वो वक्री होते हैं और जो दो प्लैनेट्स हैं आपके जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वो कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु केतु ऑल टाइम वक्री चलते हैं। इसलिए राहु केतु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी उनकी प्लेसमेंट होती है उससे संबंधित जो भी काम है वो बीच बीच में अटक जाते हैं। तो मंगल अगर वक्री हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, यानी मंगल की प्लेसमेंट ऐसी है कि जहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि वक्री है आपके बर्थ चार्ट में, और ऐसे मंगल की अगर दशा चल जाती है तो क्या करें। मंगल का संबंध आपके एग्रेशन से है, आपकी एनर्जी से है, आपकी वाइटिलिटी से है, और जहाँ भी आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हो वो मंगल से देखा जाता है, मंगल यानी आपकी एनर्जी। तो मंगल ग्रह अगर वक्री हो गया है तो ऐसे टाइम में वो काम करें कि जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को इनपुट करते हो, जैसे जिमिंग का काम हो गया, अगर आप पहले कोई जिम वगैरह स्टार्ट कर रहे थे, अपना खुद का बिजनेस खोल रहे थे, काम नहीं चल पाया या काम बीच में अटक गया, तो जब मंगल वक्री होता है तो वही पेंडिंग काम को आपको दोबारा करना चाहिए। अगर आप कोई एथलीट हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका संबंध आपकी बॉडी से है, आपकी पर्सनैलिटी से है, तो जब मंगल वक्री होता है तो उस दौरान आपको ये सारे काम करने चाहिए। बुध अगर वक्री हो जाता है तो बुध के टाइम आपको क्या करना चाहिए। बुध अगर वक्री है तो आपको वो काम करना चाहिए जिसका संबंध आपके अकाउंट से जुड़ता है। कोई भी पेंडिंग ऐसा काम जो आपने पास्ट में किया था और अकाउंट से संबंधित कुछ भी उसमें चीज़ें थोड़ी सी ऐसी अटकी हुई थी, समझ में नहीं आ रही थी, बैंकिंग का कोई ऐसा काम हो गया, बैंक से संबंधित कोई ऐसा काम हो गया जो अटका हुआ है, उस काम को आप जब बुध आपका वक्री होता है आपके बर्थ चार्ट में तो उस पेंडिंग काम को आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं क्योंकि बुध का संबंध आपके अकाउंट से है। शुक्र अगर वक्री हो जाता है और आपके बर्थ चार्ट में अगर शुक्र पहले से वक्री है और शुक्र की अगर दशा चल रही है और शुक्र आपका वक्री हो गया है, तो शुक्र अगर वक्री है आपके बर्थ चार्ट में तो ऐसे में वो काम करें जिसका संबंध आपके रिलेशन से जुड़ता है, या कोई आर्टिस्टिक वर्क, अगर आप कोई सिंगर हैं, आप कोई डांसर हैं, कोई भी आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आपने कोई काम स्टार्ट किया, काम अटक गया, अब ग्रह अगर वक्री हो गया है आपके बर्थ चार्ट में, यानी वक्री तो पहले से ही है, अगर उसकी दशा चल रही है तो ऐसे में आप अपने आर्टिस्टिक काम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं मैरिज की बात चल रही है, किसी मेल का चार्ट है, शुक्र वक्री है, मैरिज की बात चल रही थी, अटक गई थी,
तो शुक्र अगर वक्री हो गया है आपके वर्ष आठ में है, दशा चल रही है, तो उस टाइम आप उस काम को कर सकते हैं, यानी आप अपने उस पार्टनर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी फैमिली से मिल सकते हैं, मैरिज से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित और आपके क्रिएशन से संबंधित कोई भी अगर वर्क है, कलात्मक कोई भी अगर चीज़ है, तो आप शुक्र जब आपकी दशा चलती है शुक्र की और शुक्र अगर वक्री है आपके वर्ष आठ में, तो उस टाइम आप वो शुक्र से संबंधित काम कर सकते हैं। आपके वर्ष आठ में अगर गुरु वक्री हो जाता है तो गुरु का संबंध ज्ञान से है, नॉलेज से है। आप कोई टीचर हैं या आपने कोई ऐसा कोर्स किया है कि जहां पर आपको ये लगता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, टीचर वाली जॉब, गुरु की दशा चल रही है, तो ऐसे टाइम आपको वो सारे काम करने चाहिए, आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि आपकी जॉब लग जाए, कहीं आपको अच्छी सैलरी मिल जाए या कोई भी ज्ञान से संबंधित काम। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे थे, कहीं आपने एडमिशन लिया था, कुछ चीज़ें बीच में अटक गई थी, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो गुरु अगर वक्री है आपके वर्ष आठ में और उसकी दशा चल रही है, तो ऐसे टाइम आप उन सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं जिसका संबंध ज्ञान से है और आपके एजुकेशन से है। शनि अगर आपका वक्री है आपके वर्ष आठ में, शनि की दशा चल रही है, तो जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, उसमें कोई आपने नई शुरुआत की थी लेकिन वो काम अटक गया था, काम बीच में फंस गया था, काम नहीं हो पा रहा था, आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाले थे, आप अपनी कंपनी लॉन्च करने वाले थे, अब आपके वर्ष आठ में उस ग्रह की दशा चल रही है, यानी शनि की दशा चल रही है, शनि वक्री है, तो आप इस टाइम वो काम को कर सकते हैं। आपके वर्ष आठ में जितने भी ग्रह वक्री हैं, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो शनि है, जितने भी ग्रह आपके वर्ष आठ में वक्री हैं, जब उनकी दशा चलती है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी काम होता है, उस टाइम आप उस काम को कर सकते हैं, आपको उससे बेनिफिट मिल सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया वक्री ग्रहों के बारे में कि वक्री ग्रह हमारे वर्ष आठ में होते हैं, जब उनकी दशा चलती है तो हमें कैसे अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वर्ष आठ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।